अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, मेरी हालत भी आप लोग देख रहे होंगे और इन सब की भी। अभी पानी तो मैंने अच्छे से लगा दिया, यहाँ पे भी ये सारे रैबिट्स के बच्चे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे बस ये मसला है। अब ये वाली फ़ीमेल मैंने पहले भी बोला बैठी हुई है, बाकी ये वाली मैंने उठा दिया यहाँ से अंडों से, इनको हमने बाहर निकमी से। बस इनकी आप हालत देखें, रैबिट्स को ना सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, सर्दी में भी इनको गर्मी लगती है, इनको इतना कोई इशू नहीं होता सर्दी से। तो इस वजह से इनके लिए मुझे डेली 4 से 5 दफ़ा आना पड़ता है, यहाँ पे पानी लगाना पड़ता है। क्या है? अब अंडों पे जाके नहीं बैठना, समझ आ रही? चूर देखें कितनी लग रही, अंगूर चोर जो है ना ये देखें, अभी हुए नहीं और चोरी पहले से होना शुरू हो गए। तो व्लॉग जो है ना आजकल भागने में मतलब के क्या बोल रहा हूँ मैं, चलते फिरते ही बन रहे हैं, क्योंकि वो अब इसको क्या हो गया, लाइट गई या पंखा बंद हो गया। कह रहा था कि चलते फिरते व्लॉग बन रहे हैं क्योंकि 3 दिन से ना इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, आए तो काफ़ी बेहतर है, और आज इसने 3 दिन बाद थोड़ा सा खाया है। यहाँ पर पंखा चल रहा होता है सारा दिन, ये यहाँ पर बैठा होता है, और उम्मीद है कि आज भी ये मतलब रात को भी ये सही से खाना खाएगा। और इसके साथ इनकी भी मौजें लगी हुई हैं, यहाँ पे पंखा चलता है, ये सारे इधर बैठे होते हैं, टोटल सारे के सारे चूज़े बाहर हैं, तकरीबन 40 से 50 चूज़ा जो है ना वो बाहर बैठा होता है। तो टाइम इनका हो गया दाना डालने का, क्योंकि जल्दी से दाना डाल देते हैं, मोबाइल मुझे रखना पड़ेगा। इनको मैं खोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सारा दिन ये गर्मी में होते हैं। चाचे रहमत अली की आप कारागरी देखें, कबूतर आया हुआ है इन लोगों का, बच्चों का छतरी छुतरी ले के पकड़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन चाचा रहमत अली ने बोला अंदर आओगे तो बांध लूँगा, ये देख। और चलो अब देखें, इनसे लड़ रहे हैं कि हमने नहीं देना, वो कह रहे हैं हमने लेके जाना है, बस उड़ाता नहीं ना हो गया। ये वाला कबूतर है, ये हमारा चाचा शिकारी, और जिनका है वो इधर खड़े हुए हैं। आपने नहीं सी मैं जो आके थानू अल्ला बस छतरी उतार, तेरी छतरी तो बहु हुई। हां बस उड़ा दे देता है, तेरी छतरी तो बह गया वे, तो तेरा है ए, तो है ही अपना। मुकाबला लगा हुआ, देखते हैं अब कौन जीतता है। और तो उड़ा फिरता है, और छतरी ए गया। नहीं जानता बस अब बस आ जा कबूतर सही गल है, कबूतर आके वापस बैठ गया भाई, इसका मतलब हमारा ही है। बस फिरन दो छोड़ो, गंदी हरकत कर दी है। आप सबको याद होगा कि इसने पहले एक ब्लैक मुर्गी को मारा था, उसके बाद इसने 2 बत्तखों को मारा था, और कुछ दिन से सुबह क्योंकि ये रात को खुला होता है ना, तो सुबह टाइम अक्सर मैं 5-6 बजे उठता हूँ, वहाँ से वो जो सुराख आपको नज़र आ रहा है वहाँ से मैं देखता हूँ, 3-4 दफ़ा इससे मैंने चूज़ों को छुड़वाया। चूज़े मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाल वाला चूज़ा है ये जा रहा, ये वाला, ये चूज़ा जो है ये डेली पकड़ के बैठा होता था, कोशिश कर रहा होता था खाने की, और आज इसने ये हरकत की है कि जो उस रेड वाले चूज़े के साथ वाइट वाला बड़ा चूज़ा था, वो इसने जो है ना, मैं आपको 10 मिनट लेट हुआ हूँ, इसने उसकी गर्दन उड़ाई हुई थी और ऊपर बैठ के खा रहा था, तो इसलिए आज इसको सज़ा मिली हुई है। इसको कोई खाना नहीं मिला, कोई कुछ नहीं, शाम तक इसको कुछ भी नहीं मिला। अब देख रहे हैं मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, पता है कि मार पड़ेगी। अब इस काल मैंने ये सोचा कि इसके वो मुँह पर चढ़ाने वाला मास्क होता है ना, रात को अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे, पहली बात तो अब इसको रात को खुला छोड़ना ही नहीं, बस थोड़ी देर के लिए घुमाया फिराया और फिर इधर बांध दिया, ये इस लायक है, ठीक है। अगर छोड़ा भी तो हम वो मास्क वाला लाएंगे, इसके मुंह के ऊपर वो मास्क चढ़ा के रात को हम इसको छोड़ेंगे, इसके अलावा हमने इसको खुला नहीं छोड़ना। इनको आप देखें कितना प्यारे लग रहे हैं, लेकिन अभी ये छोटे छोटे हैं और काम इनका बड़ों की तरह ही है, जितना भी पानी हम यहाँ पे रखते हैं सारा ये कुछ टाइम में गंदा कर देते हैं।
और ये दिनों में बड़े हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से कोई 5-10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पूरी बतखें बन जाना है, और फिर हमें इनका कोई हल करना पड़ेगा। निकलवा तो हमने लिए हैं, अब इतने सारे अंडे दोबारा बतख बैठ गई अंडों पे, वो मैं उधर जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो ये जो 9 है ना, ये इनका हमें कोई हल करना पड़ेगा, यहाँ से तो इनको गायब करना पड़ेगा। अभी फिर से एक सीन हो गया है, ये जो बच्चे हैं ना 2 बतखों के, ये वाला जो सबसे प्यारा था, जो हमेशा निकलता है और इस कलर का और मर जाता है, ये एक ब्लैक, और ये तो चलो बीमार था, ये बिल्कुल ठीक थे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मारे किसने हैं। ये जो छोटा बच्चा खड़ा है, ये कह रहा था कि इधर ही तीनों पड़े हुए, मैं 2 बच्चे इधर पड़े थे, एक उधर पड़ा हुआ था, तो कुत्ते का तो मुझे नहीं लग रहा कि उसने मारा होगा, या हो सकता है मारा होगा, कन्फर्म नहीं, क्योंकि अगर वो मारता तो वो खा जाता 100%, छोड़ना नहीं था उसने। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह मरे हैं, मुझे तो उस बच्चे पर शक है, क्योंकि सुबह भी ये इनके पीछे लगा हुआ था, और मुझे लगता है पीछे एक भाग भूग रहा था, कहीं इनके ऊपर पाँव आया या कोई इस तरह का सीन हुआ है, और ये जो है ना बेचारे मर गए हैं। चलो खैर, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, तो आज इनके हिस्से का जो है ना सदका करते हैं, ताकि ये वाला काम, ये तो बेचारा इतना डरा हुआ है, ये मैं ऊपर करता हूँ तो ये उधर चला जाता है, क्योंकि पता है इसको कि अगर मैं कोई नज़दीक आऊँगा या कुछ करूँगा तो मार पड़ेगी, इसलिए अब मैं यहाँ पर भी अगर रखूँगा तो इसने चला जाना है उधर, ये तीनों मैं इधर रखता हूँ, ये भाग गया ना, इसको अब इतना डर है कि मैंने इन चीज़ों के नज़दीक नहीं आना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इसने मारे हैं, अगर ये मारता तो ये खा लेता। अच्छा तो अभी इसकी शक्ल देख रहे हो, लानत भेज दें तो इसको आज फिर ले आए, ये वो है जो उस दिन भाग गया था, वापस आ गया था, तो आज फिलहाल अकेले को लेके आए हैं। ये अभी ना इंसानों से डर रही है पकड़ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मुबारक पीछे करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं वीडियो में तमीज़दार बन गया, अभी थोड़ा थोड़ा डरता है क्योंकि कभी हाथ पे उठाया ही नहीं इसको बिल्कुल ही, लेकिन आज रिस्क लेते हैं, इसको खोलते हैं, थोड़ा सा खिलाते हैं, और फिर यहाँ पर छोड़ के देखते हैं, ठीक है ना, तो रेडी रहना अगर भाग जाए। मैं छोड़ूंगा, मैं इसे खोल के छोड़ूंगा, चलो उस्ताद जी गोश्त फड़ना मैं, अच्छा तो रस्सी इसके दोनों खोल दिया, ताकि अगर उस दिन की तरह ये भागे तो कम से कम कहीं अटके ना, अब इसको थोड़ा सा मालिश देते हैं यहाँ पे, इसके जैसे ये पड़े हैं इसके ऊपर रख दिए, ये बिल्कुल अभी खुला है, देते हैं लालच, क्योंकि लालच बुरी बला है। चल चल थोड़ा सा खा लेना कुछ चीज़, अभी तो बस टेस्ट कर, मुझे लगता है ये उड़ जाएगा, और उड़ेगा तो बैठेगा वाली खम्भे पे, ये खम्भा देख रहे उधर ही बैठेगा, ये बाहर देते जल्दी बिठाओ बेटा, आई थिंक ये जाएगा, ये उड़ जाएगा, उसके पीछे खड़ा हो जाए मेरे साथ, मैं इसके पीछे ठीक हूँ। क्या लगता है गाइस, क्या होगा, क्या होगा गाइस, क्या होगा, ओ उड़ गई उड़ गई उड़ गई साला, सॉरी, और ये देख ले इसके काम, गंदे कामों पे आ गया ना, ले भाई, ओ ये क्या कर रहा है यार, ये एक तो ये कव्वे ना जलील करते हैं बड़ा, जल्दी कर पौड़ी चढ़, इसे मैं कह भी रहा था कि ये इसने बगैरती करनी करनी, हालांकि पहली गाल की मैंने इतने लोगों में ना किया, इसलिए शायद ये डर गया, डरता ही है। पौड़ी कौन लगी खड़ी, आ जाएगा, चलें जी देखते हैं इधर से आता है कि नहीं, माशाल्लाह कव्वे भी इसके पीछे हैं, अभी ये जहाँ भी जाएगा कव्वे इसके पीछे रहेंगे, हम आसानी से ढूंढ लेंगे। अब आ जा, तो ये ऊपर ना यहाँ पे आके बैठ गया था उस्ताद ने, हाँ उस्ताद ने रिकवर किया था माशाल्लाह से, हमारे पास आ गया, अभी इस ना हरामी को ऐसे छोड़ना नहीं है, पहले भी उड़ के ऐसे ही गया, चल पुत्र तुझे करते हैं ना सेट जाके, हमारे बेचारे चूज़ों को ना नज़र लग गई है, डेली के 2-3 मर जाते हैं, इनको भी नज़र लगी, नौमी जरा तुझे एक बैड न्यूज़ दूँ, चल दिखाओ, नहीं जो तेरा फेवरेट बतख का बच्चा था ना वाइट वाला, वो फौत हो गया, उसको नज़र लग गई, वो एक भी नहीं हमारे पास निकल रहा, वो एक भी नहीं, जो भी निकलता है वो मर जाता, हालांकि अच्छा खासा वो बड़ा हो गया था, फिर भी वो अल्लाह को प्यारा हो गया। खैर एक बैड न्यूज़ यहाँ पर भी है, जो इन सारे बच्चों की माँ थी फीमेल, वो भी मर गई है, पता नहीं क्या हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बच्चे सारे की हो फीमेल मार गई हो इन बच्चों की माँ, हाँ यहाँ पे
सब कुछ ठीक है। अभी डॉगी को लेके जाना, सुसु पोटी करवानी है, वो करवा ले। क्या मैं बोलने वाला था, ना पानी थोड़ा सा इनको कर दे। अच्छा मुर्गियों को नहीं छोड़ता, अब इनसे डर रहे, एक गाय से डरेगा। जल्दी चारा डाल, चारा लेना है, लेके जाना है। ये जो इसकी हरकतें आजकल हो रही है ना, इसका वो मास्क लाना है और इसको चढ़ाना है। फिर आज रात इसको नहीं खुला छोड़ना, आज रात इसको जितनी देर में आऊँगा इसको खुला छोड़ेंगे, उसके बाद इसको बांध देना है ताकि कल आए इसको। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।